एंड्रॉयड वीडियो एडिटिंग की जब भी बात होती है तो काइनमास्टर का नाम सबसे पहले आता है, और आना भी चाहिए क्योंकि काइनमास्टर एंड्रॉयड के लिए सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर है। लेकिन काइनमास्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीश, आप देख रहे हैं एडिट केस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हमें कस्टम ट्रांजिशंस बनाने की ऑप्शन मिलती है। हम अपनी वर्कस्पेस के अंदर ये ट्रांजिशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। हालांकि काइनमास्टर के अंदर भी बहुत सारे ट्रांजिशंस मिलते हैं हमें, और यहाँ पे एक एसेट स्टोर भी होता है जहाँ से हम ट्रांजिशंस ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कस्टम ट्रांजिशंस का मज़ा ही अलग है। उसके बाद प्रीमियर प्रो के अंदर हमें मास्किंग की ऑप्शन मिल जाती है, जिसको हम पेन टूल भी बोलते हैं, और ये बहुत ही कारगर ऑप्शन है। इससे आप बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए तो ये एंड्रॉयड के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली काइनमास्टर में ऑप्शन नहीं है। उसके बाद काइनमास्टर में आपको हर चीज़ मैन्युअली करनी पड़ती है, यानी कि अगर आपके पास में 4 से 5 लेयर्स हैं तो आपको उन हर लेयर पे काम सेपरेटली करना पड़ेगा। अगर एक पे इन एनिमेशन लगानी है तो दूसरे पे सेपरेटली लगानी पड़ेगी, तीसरे पे सेपरेटली लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक पे लगाई और कॉपी कर दिया दूसरे पे तीसरे पे। हर एक चीज़ मैनुअल करनी पड़ेगी आपको, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यही अगर हम किसी भी पीसी के सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे यही चीज़ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यार, काइनमास्टर में ऐप स्पेसिफिक लिमिटेशंस होती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो आपके काइनमास्टर की स्पेसिफिकेशंस डिपेंड करती हैं आपके हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशंस पे। यानी किसी फ़ोन के अंदर 3 वीडियो लेयर सपोर्ट होती हैं, किसी के अंदर 5 लेयर सपोर्ट होती हैं, और किसी में अनलिमिटेड भी ठीक चल जाती हैं। यानी लैगिंग प्रॉब्लम आपके ऐप स्पेसिफिक लिमिटेशंस के कारण आती है। यहीं प्रीमियर प्रो में ये आपको प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, किसी भी पीसी सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम्स आपको कम देखने को मिलती हैं। अच्छा, काइनमास्टर में हमें एक ऑप्शन मिलता है एनिमेशन टूल का, जिसको हम की टूल भी बोलते हैं। अब वो टूल हमें एंड्रॉयड में मिलता तो है, लेकिन उससे हम प्रोफेशनल लुकिंग एनिमेशंस नहीं बना सकते। अब आप मोशन ट्रैकिंग एग्जांपल लो, हमने एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसके अंदर हमने मोशन ट्रैकिंग करी थी। अब वो मोशन ट्रैकिंग आपको ही पता है कि पीसी के किसी भी सॉफ्टवेयर से कम्पीट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी काइनमास्टर के अंदर आपको ये टूल मिलता तो है। एंड्रॉयड के अंदर और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर आपको ये एनिमेशन टूल मिलता हो। अगर एंड्रॉयड वीडियो एडिटिंग की बात करें तो काइनमास्टर बेस्ट है, और अगर पीसी वीडियो एडिटिंग की बात करें तो प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फिल्मोरा ये टॉप पे हैं, और इन दोनों को कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ोन के अंदर हमें कभी भी वो फीचर्स नहीं मिलते जो एक पीसी के अंदर मिलते हैं। नहीं तो फिर सभी पीसी को छोड़ के फ़ोन ही यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते और एंड्रॉयड से वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उनके लिए काइनमास्टर बेस्ट है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ करो। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी वीडियोस अभी तक मेरे YouTube चैनल पे आए हैं सभी मैंने एंड्रॉयड से एडिट करे हैं और काइनमास्टर से एडिट करे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा काइनमास्टर के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप पीसी से एडिटिंग करते हो। तो यार, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।